ओम शांति सभी ने मिलकर के बोला ओम शांति विश्व में कहां पर भी होते है भवन याद आता है याद आता है ना मैं में तो मैं हमें समझती हूँ ओम शांति भवन एयरपोर्ट है आए रेडी है प्लेन में बैठे उड़े प्लेन खड़ा है यहाँ इतना इजी हो जाता है योग लगाना नहीं पड़ता है अभी बाबा ने कहा था डेट दो संपूर्ण बनने का ना? याद है सभी को याद है सभी को तो मेरे को तो लगता है पंद्रह दिन से तीन चार दिन चार दिन पूरा हो गए पंद्रह दिन में बाबा ने कहा था हमको अंदर से है बाबा जब अब आ रहा है ना बाबा हम रेडी है करेंगे नहीं डेट नहीं क्या बताएं डेट पंद्रह दिन की बाबर दे दी अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वो सदाम को साथ देगा पुरुषार्थ मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुन लो साथ देगा बाबा ने साथ नहीं देगा पुरुषार्थ से बाबा साथ देगा इसमें अपने आप को मैं राय देती हूं जयंती बहन जो आने वाले हैं ना उनके लिए पहले नोट करके रखो क्या करना है अभी यहां जो करना है सो अब करना है मेरे को करना है ड्रामा कहता है ड्रामा कहता है अभी मैं तुम्हारे से करा रहा हूं तो मैं देखती हूं करेंगे नहीं ड्रामा कहता है ड्रामा संगम युग की एक एक घड़ी एक एक मिनट मुझे सफल ही करनी है व्यर्थ नहीं गमानी है अभी से संग, व्यर्थ नहीं गमानी है मुझे तर्स पड़ता है बड़ा तरस पड़ता है अपने बहन भाइयों के ऊपर तो मैंने कई बार कह दिया है बाबा कहता है नष्टो मुहा बनो नष्टो मुहा बनो दुनिया से देश से दे पर ईश्वरी परिवार से नष्टो मुहा बनना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो ईश्वरी परिवार से स्नेह बहुत है मोह नहीं है पर स्नेह बहुत है मोह नुकसानकार है उस ईश्वरी परिवार का जो स्नेह है ना नष्टो मोहा व्यक्ति वैभव से एकदम नंबर ने मदद करता है ईश्वरी स्नेह तो बाबा से भी प्यार खींचना अकेला नहीं खींच सकते हैं आत्मा अकेली अपन आत्मा समझ के पर तो आप कहो मैं पुरुषार्थ में अकेला जाकर वहां पुरुषार्थ करूं नहीं होगा माया आएंगी फालतू ख्याल आएंगे मधुबन बैठे भी फालतू ख्याल आते हैं कौ, कौन है जो कह मधुबन बैठे मुझे असर फालतू ख्याल बंद हो गया आता ही नहीं है असल फालतू माना जो काम का ख्याल नहीं है जो दिल को जरा सा भी मेरे दिल को दुख देना या किसी के दिल को दुख देने वाला ख्याल नहीं आता है जब मधुबन बैठे भी आ जाता है तो वहां बैठे क्या हाल होता होगा इसलिए बाबा ने कहा औरों पर खिम्या करो यानी भूल जाओ किसी कुछ है बात है ना सोचो भी नहीं रिपीट भी नहीं करो तो मैं दिल से यह कहती हूं किसकी बात भी जिसके संपर्ण संबंध में है सी हमारे दिल में रही तो मैं दिलाराम बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकती हूं जब मेरी दिल आराम दिल आराम में है तो दिल आराम बाप के दिल पर बैठ सकती हूँ अगर मेरी दिल आराम में नहीं है थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे है पहले दिल आराम में रहे तो बाबा दिल पर बिठा देगा मुझे बहुत बाबा की वंडरफुल बात लगी बाबा बच्चों के दिल तख्त पर बैठता है क्या कितनी ऊंची बात तो सोचो तो सही मेरी इतनी दिल अच्छी है बाबा मेरे दिल तख्त पर बैठ जावे मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठू उसके लिए मुझे क्या करने का है बाबा मेरे दिल तख्त पर बैठे उसके लिए क्या करने का है भले सब कट्ठे बैठे हैं पर मैं समझती हूं ये इंडिविजुअली एक को अंदर से अपने आप से जरूर पूछना होगा तो अगर मैं चाहूं बाबा के दिल तक पर मैं बैठूं पहले मैं बैठूं या पहले बाबा बैठे जयंती बताओ पहले बाबा मेरे दिल तख्त पर बैठेगा या पहले मैं बैठू मेरा तो भाई बाबा कुछ कहता है ना मेरा तो दिमाग चलता है आप रात को मेरी नींद देखो कैसी होती है यही खेल चलता है बताओ मैं पहले दिल तख्त पर बैठू ये फर्स्ट टाइम बाबा ने कहा है बाप बच्चों के पहले बोलता पहले बोला था भाई भगवान कहा है क्या बताए इतना दिल ने पहचाना है कहा है बच्चों के दिल में बाप की पहचान ऐसी है जो मुख से क्या बोलूं कहा है कैसा है कहा है परम धाम निवासी सामने बैठा है हा? हम देख रही हूं दिल से प्यार ले रही हूं ऐसा मेरा बाबा तो ऐसे मेरा बाबा मेरा बाबा कहा ना, तो बाबा ने दिल पर बिठा दिया ऐसा मेरा बाबा समझ से पहचान से प्राप्ति से ये प्राप्ति कहां से हुई है मेरे बाबा से हुई है मुख से किसी को क्या सुनना हूं प्रापति को देख मैं तो ये समझ सकती हमारी प्रापति को देख समझ जाते ये कोई देवधारी से नहीं हो सकती कोई देव से भी नहीं हो सकती कोई साधु महात्मा से नहीं हो सकती उनके पास भी इतना सुख है ही नहीं और संसार में समझा दुख जो मिले ना संसार को छोड़ देते हैं तो हम संसार को छोड़ते नहीं है पर दुख को छोड़ते हैं संसार को नहीं छोड़ते हैं पर दुखी होना छोड़ते हैं दुख देना छोड़ते हैं इतनी शक्ति बाबा से मिलती है हरे देखे शक्ति इतनी बाबा से मिली है अभी इसमें तो कान हिलाना पड़ेगा जो दुखी होना छूट गया कुछ भी हो जाए इसमें कल्याण है, पर जवाब मिलता है इसमें कल्याण है, जो कुछ हुआ न इसमें अच्छा होगा ये क्या हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए माना किसने कहा ये ये मेरे अंदर से आवाज निकला कैसे जब बाबा कल्याणकारी है ही कल्याणकारी तब तो यहां बैठे हैं तब तो बाबा ने क्या से क्या हमारे लिए सब इतने सुख देने के लिए इतने सुख देने के लिए घर बनाए है भंडारा बनाया है बच्चों के रहने का स्थान बनाया है बच्चे अच्छी तरह से स्टडी करे आ? बाबा को कितना हमारे लिए ख्याल है जो सारे कलम पे लक्ष्मी नारायण भले राज करेगा सतयुग में बनी बनाई राजाई उसको भी होगी हम भी राजाई में आएंगे लेकिन हमारे बाबा ने कितना अंक हमारा ख्याल करता है बच्चों को किसी भी प्रकार की दुनिया भले कैसी भी है मेरे बच्चे सुखी रहे विनाश काल भी आ जाएगा ना बाबा को पक्का है मेरे जो बच्चे हैं ना उसको कुछ नहीं होगा उनकी जो धन संपत्ति है ना वो भी आग में नहीं जाएगा चोर नहीं लूटेंगे आ, किसकी दबी दूर में धरती के भूकंप में नहीं जाएगा कि मेरे बच्चों का है ना और बच्चे कहते हैं मेरे बाबा इतना अक्लमंद बनाता है बच्चे बच्चे मैं तुम्हारे लिए सब बैठा हूं न अभी के लिए सारे चक्कर में श्रेष्ठ पूज्य श्रेष्ठ पुजारी बनाने वाला मैं बैठा वा हुआ तुम फिक्र नहीं करो अब कहाँ से खाएंगे कैसे चलेंगे तो इसमें कई बाबा की मीठी मीठी स्टोरीज याद आती है जब बेगरी पार्ट में कुछ भी नहीं होता था भंडारे का अनाज भी नहीं होता था बारह बजे भेज कैसे बजेगा बाबा भंडारी को कहता था दस बजे के बाद पूछना बारह बजे बेल बजेगा दस बजे पूछना क्या खाना बनाना है वंडर है दस बजे कहा ना कहा से भंडारी में आ जाता था पोस्ट आती है दस बजे उसी करी जाएंगा खरीदारी करके आएगा खाना बन गया बारह बजे बेल लग गया बच्चे 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 मेरे हो ना इतना निश्चय वाली बुद्धि अपनी बनाना तो मैं रिक्वेस्ट करती हूं अभी ओम शांति भवन में बैठे हो बुद्धि को निश्चय वाली बनाओ बुद्धि जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात में आदत पड़ी हुई है पहले दुखी होते थे अभी कहेंगे दुखी थोड़े ही है पर अब से तो हो गए रोना दो आ गया ये क्या है बुद्धि सच्ची भावना वाली दिल में है सच्ची भावना बुद्धि में निश्चय तो मधुबन में जब बैठे हो और कोई काम धंधा नहीं है किसी को सिर्फ याद में खाना है जा करके अमृत विलाचित अच्छी तरह से करना है जो दिन चाह मधुबन फालतू बात का न सोचनी न करनी है नॉट अलो अपने सेंटर का भी नहीं सोचना है साथियों का भी नहीं सोचना है जब जाएंगे ना अच्छा होगा, अभी नहीं यहां नहीं सोचना है इसमें शुरू शुरू में जब हम कोर्स कराते थे ना पहले पहले जब शुरू शुरू में तो बाबा कहता था सात दिन का को, उसको कोह सात दिन का कोर्स करना है अच्छा सात दिन का कोर्स किया सात दिन में कोर्स करते बुधी बाहर गई कहा गई थोड़ी अभी और सात दिन का करो फिर गई बुधी फिर और सात दिन का करो ऐसा बाबा सिखाता था घर में लेटर लिखा फोन आया फिर सात दिन का कोर्स करो और सात दिन क्यों कहते हैं मैं अभी भी आपको कहती हूं मेरे भी एनसीओ वालों ने भी पूछा अभी घरी घरी पूछते हैं तुम चालीस दिन क्या किया मैं बताती हूँ चालीस दिन क्या किया पता किसकी कुछ भी नहीं था याद कुछ भी सिर्फ धर्मराज मुझे सजा न देवे कोई भी कर्म पुराना रह न जाए कभी विकल्प ना आ जाए चालीस दिन अभी आपको मैं कहती हूँ दस दिन करो अभी कंटिन्यू करो न शरीर में बुद्धि जाए ना पास्ट में न जाए न किसी में न जाए थोड़ी बुद्धि गई ना फेल आदत है बुद्धि को कहाँ लटकने की कहाँ चटकने की कहाँ अटकने की बुद्धि को शुद्ध शांत बाबा के प्रेम में पावन बनाओ बड़ा अच्छा है बाबा के प्यार में बिल्कुल आत्मा पावन बन सकती है पर बाबा से प्यार लेने का भी अकिल चाहिए अभी बच्ची इतनी छोटी छोटी बच्ची है ना कैसे प्यार से फूल लेकर कैसे सबको सा दिया है इतना व्यक्लम को नहीं है क्या बाबा ऐसे बाबा के सामने कभी <laughs> अरे बाबा के सामने ऐसे तो आओ ना कौन सा सिर पर बोझा रखा है तुम तो फ्री हो ना तो ऐसे ऐसे नाचते नाचते बाबा के पास आओ ना बाबा क्या करेंगे आप यहां बैठा के यहाँ बैठाएंगे यहां पर आप प्यार करेगा परंतु ये बात जब तक नहीं समझी है तो कुछ नहीं समझा है सिर्फ बाबा को प्यार करना है या। तो याद ऑटोमेटिक आएंगी जहां से प्यार मिलता है वो भी उसकी भी याद आती है एक बारी बाबा का प्यार मिला ऑटोमेटिक याद आती है पर प्यार अच्छा है मिला है प्यार से परंतु रास्ता बंद कर दिया ब्लॉकेज आ गई ऐसे मधुबन बैठे ऐसे बड़े वातावरण में अगर ये पुरुषार्थ अच्छी तरह से दिल से जिसको बाबन का तीव्रता से माना असल एकदम तात लात यही हो मन में खाना खाते भी ऐसे सोते भी ऐसे चलते भी ऐसे अंदर ये अंदर ये लगा रहे और कर रहे हैं निमित मात्र या तो किसे कोई कारोबार तो है नहीं कोई काम तो है नहीं कारोबार करे है तो निमित मात्र है बाकी सब अच्छा चल रहा है दादी के यहाँ होते मैंने देखा दादी कहती है सब अच्छा चल रहा है सब अच्छा चल रहा है अच्छी भावना से करते है ना सब सब अच्छा चल रहा है ये अच्छा नहीं करता है तो ये मेरी गलती है सब अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है तो अपने पास दिल में सो डायरियों पर नोट नहीं करो पर दिल में नोट करो देखो ये सब बात में कहाँ तक कर मैंने समझा है पर अनुभव किया है वो अनुभव जो है ना मेरा आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए अनुभव में पुराना कोई दुख आ गया कोई संस्कार आ गया कोई ये आ गया तो जो बाबा का मिला वो छूट गया तो जैसे कल बाबा के मूल्य बाबा खेवैया है खेवैया है तो अब बैठ जाओ नहीं हमें आप ही लेके जा रहा है हमको कुछ करना ही नहीं है सच के नहीं हमें चलो हमको बैठ जंप लगाने का कल नहीं था जयंती बहन वो खे भैया वो बैठी है बोट वाली बहन बैठी है तो मुझे उसकी सीन याद आती है आप थी तभी वहाँ अच्छा क्या था ये कहती थी मेरे बोट में बैठो बै, स्टीम्बर में बैठो तो मेरे को वो हिल रहा है कैसे बैठो तो उस दोनों हाथ से पक करके के मुझे बिठा दिया उसकी दिल थी बैठे बैठे यहाँ बैठे तो हे हिल मैं कैसे यहां से उठ के आ जाऊं ऐसे करके बिठा दिया ऐसी हम बद, परिवार वाले करते हैं। भाई आना है तुमको आना है आओ 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 लेके जा रहे है चलो 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 नहीं कैसे आऊँ आओ, आओ, आओ तो कैसे शब्द कब निकले कैसे करूँ तो कैसे कहने से रह जाती है टाइम पूरा हो जाएगा बाबा जो, जो बैठे उसको लेके चला फिर क्या होगा अरे ऐसे यहाँ रह गए अब रह गए अब रह गए तो इसमें छोटी सी ये बात सुनाती हूं प्रैक्टिकल की बात है हमारी लौकिक माँ को मोह बहुत था सब बच्चों को रखा था यज्ञ में सबको कर दिया पर मोह बस थोड़ा बच्चों को अपने पास बुला लिया तो पंद्रह साल मैंने कोई पत्र बत्र नहीं लिखा था मो बस एक बच्चे को दूसरे बच्चे को यज्ञ में पता नहीं कब तक चल सकेंगे क्या करेंगे इनको पढ़ाना चाहिए इनको ये करना चाहिए वैसे बहुत अच्छी थी परंतु तो मोह मो मो आज कल का कई का मोह अपने मोह और में मो तो क्या हुआ अचानक पांडव भवन के ऑफिस में बाबा ने बुलाया जनक ही आओ तुमने मां को पत्र लिखा है मैं, मैं तो कभी नहीं लिखा है कहीं कहीं लिखते थे मैं तो कभी नहीं लिखा कहा पत्र लिखो मैंने कहा बाबा क्या बाबा बाबा क्या लिखूं? तो बाबा ने कहा बच्ची उसको लिखो क्यों शास्त्र पढ़े थे चंद्रकांत वेदांत में तुमने पढ़ा था भगवान क्यों को विमान में लेके चला गया और मृत्यु लोक वाले नीचे रह गए अरे भगवान तुम उनको विमान में लेके गया हम तो यहाँ रह गए मृत्यु लोक में पत्र लिखो ये पत्र लिखा तब से उनमें जागृति आई पश्चाताप किया हम रह गए ये विमान में चढ़ के चली गई तो बाबा का प्यार ऐसा है जो विमान में बिठा करके ऊपर लेके जाता है पर मृत्यु लोक वालों से थोड़ा भी मोह होगा ना बुद्धि पत्थर हो जाएगी ये भी बाबा समझाता था पत्थर माना कुछ बुद्धि काम नहीं करेंगी है जिसकी मृत्यु लोक वाले से जरा भी बुद्धि गई वो इंद्रप्रस्थ में उस मृत्यु लोक वाले को लेके आई माना बुद्धि से लेके आई या स्थूल में लेके आई छिपा के तो जो लेके आने वाला उसकी बुद्धि पत्थर हो गई प्रैक्टिकल मैंने आंखों दी कहानियां है जैसे ये सुनाया उसके बाद उसका कल्याण बाबा ने किया जो अंत मत्य बाबा के यादों में रहे जो कुछ था सफला किया और कहीं नहीं जाए बेटा बहू सब लेके जाएंगे ये बाबा के पास जाए अभी उसकी बुद्धि में यह बाबा के पास जाए जो मोहवश किया उसका पश्चाताप किया तांक अंत मते बाबा के यादों में रही बाबा ने फिर काश की सेवा करो तो एक तरफ बॉम्बे में बाबा बॉम्बे में है एक तरफ बाबा दूसरे लोग एक वहां जो बाबा के लिए खाना बने बाबा इसको खिलाओ इसको खिलाओ इसको क्यों उसके होता था मेरे पैस यहाँ पॉकेट भी नहीं रखना है डॉक्टरों को पैसा नहीं देना है यज्ञ को देना है अंतकाल में उसकी बुद्धि में यही था तो डॉक्टरों के पास पैसा नहीं जावे तो डॉक्टर फिर कहते थे नर्स कहती थी तुम्हारी माँ अच्छा कुछ नहीं लेंगे कुछ नहीं लेंगे कुछ नहीं लेंगे हम अपनी सेवा करेंगे भावना तो भावना से फिर भी उसका कल्याण हो गया अभी अपने आप को मैं ये क्यों मिसाल सुनाती हूं समय चला जाएगा पर मोह से या ऐसे कहें सच्चा बनने में टाइम लगाया जिसने सेवा एक भाग्य है जितना हमको सेवा करने का या बर्तन भी बैठ के मांजो ना इसमें बताती हूं फिर थोड़ी छोटी कहानी और मुझे बाबा ने टेस्ट किया था यहाँ यज्ञ में रहने के लिए देखिए कहाँ तक इसकी रोग रग टूटी है लौकिक से मैं यहाँ क्लास करने सुबह को आती थी जो भवन था सेवा भी करती थी पर बाबा ने मन नहीं किया इसको नाश्ता नहीं देना बैठ जाएंगी घर जाए अच्छा और सेवा करेगी भले नाश्ता ना मिले फिर मैं क्या बड़ा घर जाती हूं फिर घर में क्या करेंगी सिलाई का काम या पापर वेलने का काम कुछ काम लेके जाती थी कर्म बंधनों की सेवा नहीं करेंगी काम नहीं कर्म बंधनों की तो उम्र किया यज्ञ सेवा करेंगे फिर शाम को वापस आती थी तो सारा टाइम यज्ञ सेवा भी करती थी खाना अपने हाथ से बनाती थी पर शाम को फिर स्टडी अच्छी करके आती थी ना तो सबको अरे इतनी स्टडी अच्छी करके आई है अच्छी अच्छी बातें सब सुना देती अच्छी अच्छी, अच्छी बातें सुबह को ये मुनीम बाबा ने कहा ये कहा के तो बाबा को मेरी रिपोर्ट मिली तो टीचर आती थी मम्मा के बंगले से और पढ़ाने के लिए उसने कहा ये होशियार है ये भी को समझा सकती है अच्छा कर सकती है तो पुरुषार्थ ऐसे ऐसे नहीं मुझे नाता नहीं देते है ये नहीं करते ना ना भले ठीक है इसमें मेरा भला पर अपने आप ममा ने कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ यज्ञ सेवा जो करता नहीं है खाता है सिर्फ मैं देखती हूं कितना खाना मिलता है कितना खाना मिलता है प्यार से खाते हैं देखती नहीं याद करते बाबा को नहीं गिलास हाथ में है चाय हाथ में है अच्छी बनी ये नहीं मुझे पर्सनल चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए और मैं ये बता देती हूं आज दिन तक खाएंगी मैंने सेवा क्या किया है तो खाना खाऊं, खाना यज्ञ का खा रही हूं योग से भी कर्म नाश हुए नहीं है बंधन कटे ही नहीं है अंदर संस्कार शुद्ध हुए नहीं है इतना ब्रह्मा भोजन इतना यज्ञ का भोजन इतना ज्ञान इतना मिलता है यज्ञ सेवा इतनी करनी चाहिए जो भी कर जाए बर्तन मांझने की भाषण भले नहीं करो बर्तन तो मांझो बैठ के आज का बर्तन तो माया बांजती है जो भी प्रकार की जाव सेवा है देखती हूँ कई बुढ़ी बुढ़ी माताएं भी कितनी सेवा करती है कोने कोई, कोई भी बैठ के सेवा करती है ये सेवा के बिगड़ आपके हाथ खाते कैसे है ये हाथ से खाना खाना बिना सेवा किए खाना खाना मैं डग सामने बैठा है अगर तुम गार्डन नहीं बनता था तो बस शुक्र ऐसी होती थी क्या डग अगर तुम गार्डनर का काम नहीं करता था जीआरसी का गार्डन नहीं संभालता था तुम्हारी शिक्र ऐसी होती थी बोल बोल गार्डन का काम करके हुई है ना अभी इसको ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं योगी कहते हैं डग को कहते हैं बड़ा भाई है अभी बड़ा भाई है काम क्या किया है जीआरसी में गार्डन का काम इसने किया है क्यों सारे गार्डन को अच्छा बना के रखना है बहुत अच्छा बना के रखना है ये ध्यान रखा है अपना बड़ा परा लिखा सब छोड़ के गार्डन का काम करने लगा आज शिकल देखेंगे ना चमक रही है अच्छी सेवा ऐसे नहीं है सिर्फ कंप्यूटर की सेवा सेवा है आज के कंप्यूटर के सेवा वालों की शिकिलात देखो ऐसी हुई परी है ये कंप्यूटर चलता ही नहीं है ये काम नहीं करता है कर्म के हिसाब किताब का काम नहीं करता वो अकाउंट वगैरह सब कंप्यूटर में चला गया और तो उसके उसके साथ क्या हुआ है सब डि, डिपेंड हो गए ना कंप्यूटर के ऊपर तो अपना भी जो हिसाब किताब है न वो भी संभलना आता ही नहीं है ऐसे, ऐसे जैसे बुद्धू भाई मेरे बहने मेरी संभालो अपना नाले नॉलेजफुल बाबा के बच्चे हो बाबा कहते मैं तुमको नाले देता हूं इसलिए तुम लवफुल बन जाओ कहीं है लवफुल नहीं बनते ला अरे ला ठीक है अच्छा है ईश्वरी को अच्छे लाज है पर लवफुल बनने के पहले बगैर न खुद चल सकते हैं न दूसरों को चला सकते हैं कायदे में फायदा है अभी टाइम तो हुआ है पर तो एक बात सुनाती जाऊं दस दिन में आप लोगों होमवर्क बहुत करना है तो किसी ने हमारे से पूछा था आपके ये जो नियम जो बने हुए हैं किसने बनाए कोई वकील ने बनाए हमारे यज्ञ के जो नियम है शुरू से लेकर आज दिन तक नियम ऐसे बने हुए हैं जो नियमों अनुसार चलने से आज यहां पहुंचे हुए हैं किसने बनाए है प्यारे बाबा ने बनाए है ऐसे करना ऐसे चलना ऐसे करना ऐसे चलना प्यार से चलना सिखाया है प्रैक्टिकली मामा चली है दादी चली है उसी अनुसार यज्ञ का नियम अनुसार सब चल रहा है टाइम पर खाना बनाना भोग लगाना ये करना एक्यूरेट रहना किसने बनाया एक बारी यहां हम ब्रिज कोठी में थे तो, तो, तो बाबा ने भंडारी को कहा था बच्ची कभी भी खाने में नमक कम हो या ज्यादा हो या किसमें मीठा कम हो या ये ये असुल नहीं होना चाहिए क्या भीली जितना भी अक्ल नहीं है जब भोग लगाते हो टेस्ट करो एक्यूरेट है जो खाए ना तो इतना बड़ा इतना बड़ा भोजन बनता है कितना भोजन बनता है तभी तो सैकड़ों का बनता था अभी हजारों का बनता है एक्यूरेट होता है बाबा ने बना के दिया हर बात बाबा ने रात को सोते थे बाबा कैसे सोते हो बाबा चक्कर लगाता था, था बच्चे कैसे सो सो तो ऐसे तो ऊ तो नहीं कर रही है नहीं कितना भी दर्द ना वैसे चेहरा मुस्कुरा रहा है सोते क्यों जो दिल में होता है मन में होता है स्वप्न में भी वो ही आता है सोते समय पता चलता है ये किस पिता में सोया है और ये कुदरत का नियम है रात को जिस गति में आप सोएंगे सुबह को ऐसे ही उठेंगे रात को अच्छी तरह से बाबा से चिट चेट करके गुड मार्न गुड नाइट करके सवेरे बच्ची गुड मार्न अपने आप आंख खुलेंगी किसको जगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेंगी बता देती हूँ कभी अलार्म बजाने का मेरे पास आता ही नहीं अकली नहीं है अलार्म बजाना आता ही नहीं है वो मुझे जगाए लज्जा की बात है वो कहों का अलार्म बजाते रहेंगे बंद करेंगे फिर नींद आ जाएंगे नियम जो बाबा ने बना के दिया है ना उस पर चलने वाले चलाने वाला बाबा है पर प्यार से चलने वाले अंतर्मुखी सदा सुखी बैर मुक्ता वाला बैर की बातों को ज्यादा सोचने वाला ये है सदा सुखी नहीं रहता है अंतर्मुखी अंतर अंतर ही अंतर ही अंदर। बाबा ने जो सिखाया बाबा ने बताया आ? वार वार वार, वार, वार बाबा ने ये बताया बाबा ने ये बताया एक एक छोटी छोटी बात कितनी अच्छी बताई है बाबा से अच्छी तोतली भाषा में बाबा अपने अच्छा ये बताया जी बच्ची अच्छा 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 बच्ची याद तो करती है रिवाइज तो करती है बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं अगर घर में होमवर्क करते हैं तो बाप खुश हो जाता है तो बाबा मामा को लेना देता था जैसे बाप माँ को लेना देता है क्या तुम होमवर्क नहीं कराती हो बच्चों को बाबा मामा को लेना देता था सारा दिन बच्चे क्या करते हैं होमवर्क करते हैं जो होमवर्क करते हैं ना अंदर अंदर खुश रहते टीचर के आगे आंख दिखा सकते है आ? तो बाप का है प्यार टीचर क्या करता है प्यार नहीं करता है पर देखता है मेरा बच्चा स्टू ये स्टूडेंट श्टू, है ना अच्छा है अच्छा है अच्छा है तो दिल से उसको रखता है ये हमारे यूनिवर्सिटी का मेरे टीचर का नाम बाला करने वाला है तो और उसके लिए प्यार पैदा हो जाता है तो बाप का प्यार अलग है पर टीचर का अलग है अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो माँ बाप और खुश हो जाते हैं नहीं तो माँ बाप को कंप्लेन करते हैं तुम्हारा तो बच्चा ठीक नहीं पढ़ता है तो मेरे मामा बाबा को कोई कंप्लेन ना करे बाप टीचर के रूप में ये ठीक नहीं पढ़ता है अच्छी पढ़ने वाले को सतगुरु तो ऐसा है श्रीमत पर चलने वाले की श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले को ये ध्यान है श्रीमत कल्याणकारी है मनमत नहीं चलाना है मनमत दोखाबाजी करने दोखे में लाने वाली है श्रीमत से बचाने वाली है अच्छा अच्छा इशारा मिलेगा श्रीमत से ये नहीं कर रहा पर मन मत श्रीमत को अवैध करने वाली है जो श्रीमत को अवैध करता है वो सत्य गुरु का जो दुआएं है जो दृष्टि है उससे जो प्राप्ति है उसे विंचित हो जाते हैं तो प्लीज अभी ये बार बार फिर भी आज शाम, शाम की सभा इतनी अच्छी देख संगठन में बाबा के इतनी शक्ति है तो हमको आता है एक बाबा शक्ति देता है सर्वशक्तिवान है और तो संगठन की शक्ति में जो हमको पुरुषार्थ करने में वाइब्रेशन मिलते हैं शक्ति मिलती है उसका वैल्यू हो तो उसमें वैल्यू ये आती है जहां भी होंगी ना संगठन बना लेंगी जो संगठन से फायदा लेने वाले हैं ना, ये भी अनुभव है कहीं जगह अकेली गई होंगी दस दिन के अंदर अगर दस आत्माएं ऐसे संगठन में तैयार नहीं हुई फायदा क्या मोनिका है समझा दस दिन में अगर दस आत्माएं ऐसी तभी आएंगी नजदीक दस तो क्या सौ भी आजकल अनुसार सौ भी आ सकते हैं क्यों पता है संगठन में कितना फायदा है संगठन को में लाने के लिए सच्चाई संघ संयोग नेह थोड़ा सा सपोर्ट नहीं देना है थोड़ा सा सारा जो अपने पांव पर खड़ा हो सके ये पांच बातें संगठन में लाने के लिए तभी हम मिसाल हमेशा हमको मिसाल याद आता है एक मक्खी बीमारी फैलाती है दूसरी मक्खी बीमारी को दूर करती है जो मक्खी बीमारी को दूर करती है वो संगठन बनाती है तो माखी निकालती है हनी निकालती है वो क्या करती है सब फूलों पर खसप ले केले 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 के संगठन में इकट्ठी कर देती है उस मक्खी का काम ही ये है मधुमक्खी का काम ही ये है मधुबन में बैठे हो ना तो मधुमक्खी का काम ही ये है अच्छी अच्छी बातें ले ले करके यहां वहां से ले करके संगठन में ला करके मधु इकट्ठी करके उसको मधु बा कैसे निकलता है फिर सबको मिलता है बीमारी निकल जाती पर उसके संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता कोई हाथ तो लगाओ काट लेगी जब वो मधु अपना काम कर रही है मधु बनाने का उसको हाथ लगाते हो तो बाबा कहता टच पत्र हो तेरे को कोई टच वैश्व को बनने वाले सारी दुनिया को इतना उधार करने वाले हम तो इतना जो अंदर से अपने मैं कौन हूं गर खराब बातें उठा करके बीमारी फैलाने वाली आ? उसको तो कैसे ऐसे करके मारते हैं भाई मक्खी है मक्खी है राो तो हर बात में मिसाल क्यों देती हूँ अपन से पूछो मैं कौन हूं बीमारी फैलाने वाली या बीमारी को भगाने वाली ये यज्ञ सेवा है ऐसा सीख रहा है ओके ओम शांति पुल ओम शांति बड़ा अच्छी ये हॉस्पिटल है ना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भी है ना बाबा धक्का से सबके दवाइयां कर लेता है दुआ दे देता है ना बाबा के आगे क्या है एक एक पेशेंट को थोड़ी अलग अलग बुला करके से सभी पेशेंट्स को पेशेंट सिखा करके धीरे सिखा करके इंजेक्शन लगा करके कहते रेस्ट करो रेस्ट रेस्ट नहीं बनो हा? ओके ओके